बज रहे हैं 12 और अभी हम जा रहे हैं अपने TVS पर एक लॉन्ग राइड के लिए। तो जो कि वीडियो रहने वाली है लॉन्ग राइड के ऊपर कि कैसी क्या इसकी कम्फर्टनेस रहती है लॉन्ग राइड पे, लॉन्ग राइड के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने इसका ट्रिप जीरो कर लिया, शायद दिख रहा होगा क्योंकि धूप ज़्यादा है पीछे से तो दिख नहीं रहा होगा, बट हमने ट्रिप मीटर कर लिया जीरो। तो अभी हम जा रहे हैं अलाहाबाद के लिए, इसे हम प्रयागराज भी कहते हैं। तो प्रयागराज जा रहे हैं, देखते हैं कैसा क्या इसका परफॉर्मेंस है लॉन्ग राइड पे। तो सारा डिटेल रिव्यू आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो पे। तो अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर मार दीजिएगा। कि मैंने बोला कि बुढ़िया ढाबा में रुकते हैं, चाय के चुटके लेते हैं, तो ये बोल के मैंने बात ख़त्म ही की थी कि मुझे ये ढाबा दिख गया। अभी देखते हैं कैसा क्या सीन है यहाँ का, पूछो चाय है कि नहीं, चाय हो तो बैठते हैं फिर। 100 किलोमीटर में अभी देखो मेरा उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है बाइक से क्योंकि पूरी बॉडी मेरी अकड़ती गई है। तो अभी बताते हैं आपको पूरा फीडबैक क्या क्या है इसका, 100 किलोमीटर का रिव्यू। और ये भाई ने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करा रखे, स्टिकर विस्टिकर अपना लिखना पढ़ना तो खुद तो किया नहीं पर बाइक भी उसने पूरा करा दिया है। तो अभी हमने अपनी बाइक के 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, चाय वाय पी लिए हैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि चाय पीते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा बताते हैं आपको कैसा क्या एक्सपीरियंस था अपना। एक्सपीरियंस बढ़िया है, दर्द कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा नी में हमारे थोड़ा सा पेन होने लगा था और शोल्डर में हल्का सा और बैक में हल्का सा है। बाकी पूरा जो रिव्यू आपको मिलेगा प्रयागराज पहुँच कर मिलेगा कि लॉन्ग राइड के लिए कितनी कम्फर्ट है, क्योंकि क्या ना अग्रेसिव पोजीशन है जिस वजह से थोड़ा सा दर्द वर्द तो मेरे हिसाब से होने वाला है। बाकी पहुँचते हैं फिर आपको बताएँगे। तो जिस जगह पर रुके हैं इस ढाबे का नाम है शारदा ढाबा, यहाँ की आप सफाई देखिए, क्लीननेस भी काफ़ी बढ़िया है और सबसे अच्छा ये कि जो बनाने वाला सिस्टम है वो अलग है और एक खाने पीने वाला जो सिस्टम है ये बढ़िया अलग से हो रखा है। यहाँ पे कोई धुआं का समस्या नहीं है, खाने का सिस्टम वो वहाँ पर है बढ़िया, पूरा धुआँ जो है वहीं से बाहर निकलेगा। आप यहाँ आइए, अंदर भी है, जैसे फैमिली वैमिली आते हैं तो आप अंदर बैठ के भी खा सकते हैं, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए स्पेस बहुत सारा है, बनाने वाला सिस्टम पूरा उधर है, धुएं का कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना छोटा भाई है जो साथ में अपने जा रहा है। तो चलिए फटाक से पहुंचते हैं प्रयागराज, फिर करते हैं पूरा। यदि आप NH30 से आते हैं तो आपको ये सुंदर सा दृश्य देखने को मिलेगा NH30 में चाक घाट के पहले। और थोड़ा सा यहाँ रोड भी ख़राब है तो कहूँगा कि बिल्कुल आराम से आइएगा क्योंकि दुर्घटनाएं जो होती हैं ऐसे ही हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे यदि कॉर्नरिंग करने के चक्कर में आप बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे ही ब्रेकर बना दिए गए हैं तो आप कॉर्नरिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो कॉर्नरिंग करने का बिल्कुल भी ना सोचें, बस इस जगह का लुत्फ उठाइए। देखिए हर मोड़ पे इन्होंने बना दिया है ब्रेकर, लेफ्ट राइट काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ का। और लिखा भी हुआ है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, कृपया धीरे चलिए। अरे यार मजा नहीं आ रहा यार, इतने ब्रेकर तो साला पूरी रोड में नहीं मिले जितने यहाँ इस घाट में बना दिए हैं। बहुत ज़्यादा ही ब्रेकर है भाई इधर पे,
देखिए सामने हो रहा है सनसेट, कितना सही लग रहा है। पहाड़ है, पहाड़ के पीछे सन है, ऐसा लग रहा है बस वहीं पर ही वो अंदर जाने वाला है। ऐसा व्यू बहुत कम देखने मिलता है। तो ये फ़ोटो मैं डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, तो वो भी अपना है MPR बाइकर्स के नाम पे। जो भाई मुझे नहीं फॉलो करता है तो वहाँ पे फॉलो करो या ना करो, पिक्चर देखना का तो आप ज़रूर वहाँ पर विज़िट कर लीजिएगा। तो भाई लोग ये है फ्लैशबैक वीडियो, क्योंकि कल आने में हो गई थी काफ़ी ज़्यादा रात और बैटरी भी कैमरे की ख़त्म हो गई थी, तो बैटरी ख़त्म होने की वजह से वीडियो रात में कुछ बन नहीं पाई। तो ये आपको प्रूफ है कि हाँ हम प्रयागराज तक आए हैं। तो ये प्रयागराज हम आए थे, घर से 280 किलोमीटर था हमारा होटल का डिस्टेंस पूरा कवर करके, और अभी हम जा रहे हैं कहना चाहिए संगम पे, जहाँ पे गंगा जी के संगम पे लोग जाते हैं नहाने के लिए। तो नहाएंगे या नहीं वो तो पता नहीं, बट फिर भी वहाँ तक जाते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, गंगा माता के पास बैठते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हमारा भी यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए। वैसे तो मेहनत होती है बट आशीर्वाद की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन का बस जा रहा है, ये है प्रूफ आप लोगों के लिए। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पर, कुछ ऐसा अपना रूम है, ये भी आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा इस साइड दिखा दो। ये बढ़िया अपना सोने के लिए बिस्तर है, ये टेबल है, और मतलब काम चलाओ रूम अपन को मिल गया है। जो अपना पर्पस था वो अपन पूरा करने के लिए आए हुए हैं। अपन को जो लॉन्ग राइड का रिव्यू करना था, तो घर से प्रयागराज तक आने में 280 किलोमीटर मैप में दिखा रहा था, बट जो रूम को ढूंढने की वजह से हमको यहाँ वहाँ भटकना पड़ा, उस रूम के लिए अगर सारी डिस्टेंस को मिला लिया जाए तो अप्रॉक्स 300 किलोमीटर आज हमने रनिंग की है दोनों ने मिलकर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी बाइक मैंने ही चलाई है, कुछ इसने भी चलाई है, कुछ मैंने भी चलाई है, तो मिलकर दोनों ने चलाई है, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैंने चलाई है। और जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि लॉन्ग राइड करते समय, जैसे यदि आप थोड़ा सा हैवी हैं, सिंगल चल रहे हैं, तो सिंगल के हिसाब से मेरे हिसाब से आपको इतनी दिक्कतें नहीं जाएंगी। बट मैं इसके साथ था, पिलियन था, मतलब कहना चाहिए साथ में हमारे, तो बैग भी था और पिलियन भी था, तो इस वजह से थोड़ा सा सीट में जगह कम फील हुई, क्योंकि सीट की जो है कटिंग है, ड्राइवर वाली सीट ऐसी है और बैठने वाली जो पिलियन है उसके लिए सीट ऐसी है। तो ब्रेक मारने में जो पिलियन है थोड़ा सा बार बार आगे होता है, एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी, इसका जो नाइट विजन का क्लियरिटी है वो इतना अच्छा नहीं है। जैसे जब शार्प टर्निंग आती हैं, तो शार्प टर्निंग जब आती है तो जो लाइट है एकदम आपके टायर से जस्ट थोड़ा सा आगे रहती है। इसकी भी एक पर्टिकुलर वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो जो भी भाई चैनल पर नया होगा, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी बात करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि बॉडी में पेन वगैरह की, तो मैं जैसे भी चला कर आया हूँ तो हल्का दर्द यहाँ पर है, उतना नहीं है अग्रेसिव पोजीशन, तो थोड़ा बहुत दर्द तो भाई होगा ही, स्पोर्ट्स लुक वाली बाइक है अपनी, है ना, तो हल्का सा दर्द यहाँ पर है। उम्र हो गई है आपके बाबूजी की, तो थोड़ा सा पेन नी में है, क्योंकि जो इसके फुट रेस्ट है
वो थोड़ा सा पीछे की ओर है, तो काफ़ी देर तक पीछे किए के नी में आपको पेन आएगा ही आएगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे ये नौजवान हमारा भाई हो, चाहे हम बुजुर्ग आदमी हो, बट फिर भी दर्द आना ही आना है, थोड़ा बहुत तो आएगा भाई, कितना भी आप सोच लो कि नहीं आएगा, आएगा। ब्रेकिंग वगैरह बहुत अच्छी है लॉन्ग राइड के पर्पज़ से, गाड़ी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार गाड़ी है, नहीं, आपको इंजन की पावर बिल्कुल भी कम महसूस नहीं होगी। और जैसा TVS या अदर जो बाइक आती थी बाजू से जब कोई ट्रक वगैरह निकलता है तो ऐसे से हिलती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो हम डबल में थे, सिंगल में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बढ़िया है बाइक है। सो यदि आप लेना चाहते हैं इस बाइक को तो ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। और यदि माइलेज वाला आप बोलेंगे कि माइलेज कितना है, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी है माइलेज की, जिस भी भाई ने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी का जो माइलेज है वो 67 किलोमीटर पर लीटर है। फिर वो अपने ऊपर चलाने के ऊपर है कि आप कितना कितना निकाल पाते हैं। तो जो आज जो हम बाइक चलाते हुए आए हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि जो माइलेज हमारा निकल कर आया है वो आज हमको अच्छा माइलेज मिल गया है, 62 या 63 इतना आप कह सकते हैं आराम से मिला है, मिला है ना भाई? हाँ मिला है, तो इतना हमको मिल गया है। फिर और क्या बोल सकते हैं, और क्या बस मेरे हिसाब से तो बाइक में ज़्यादा कुछ खराबियां नहीं है, बाइक बढ़िया है, जो बजट फ्रेंडली है और इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें इको मोड भी मिला है, ठीक है। तो आपको दोनों मोड भी दिए गए हैं, पावर मोड, इको मोड, आप जैसे भी मोड में चलाना चाहें बढ़िया मिलेगा आपको एवरेज, बढ़िया। आइए एंजॉय करिए, बाइक खरीदिए, जो करना करिए। तो जो पर्पस था हमारा लॉन्ग राइड का वो लॉन्ग राइड हो चुका है, अभी हालत देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब यहीं पर करेंगे इस ब्लॉग का एंड। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये लॉन्ग राइड की गई है, ना कोई अपना मोटो था, कुछ भी नहीं था, बस ये था चलो चलते हैं, घूम के ही आ जाएंगे और क्या कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग राइड हो चुकी है, बाकी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उनसे कहना चाहूँगा जो डिसलाइक करने वाले हैं, क्या आपको पसंद नहीं आया ये कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि यदि हम डिसलाइक के हकदार हैं तो क्यों हैं, क्योंकि अपनी गलतियाँ जब तक पता नहीं होंगी तो आदमी सुधारेगा भी नहीं। तो ठीक है, यहीं पर करते हैं अपने इस वीडियो का एंड। दिस इज़ मी MPR बाइकर साइनिंग ऑफ। So cool.